गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से एक नया दिन का शुरुआत हो चुका है और मेरा नया ब्लॉग्स पे आप लोग को स्वागत करता हूँ। आज मेरा दिन नागालैंड पे एंड ऑफ डे है, क्योंकि मैं आज निकालने वाला हूँ नागालैंड से अपने घर के तरफ जाने के लिए त्रिपुरा में। पूरा 1 वीक हो चुका है मैं त्रिपुरा से आया था, और कब आ पाऊंगा यहाँ पे पता नहीं, वो तो भगवान ही जाने। थोड़ी देर में हम निकालने वाला है आमगुरी तक जाने के लिए। गाड़ी ऑलरेडी आ चुका है, इंतजार कर रहे हैं। आमगुरी से मुझे ट्रेन चढ़ना होगा लामडिंग तक, और लामडिंग से मुझे फिर से दूसरा वाला ट्रेन मुझे चढ़ना होगा त्रिपुरा जाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, निकल जाते हैं थोड़ी देर में, उसके बाद रास्ते पे मिलेंगे। इसी गाड़ी से हम लोग जाएंगे। मेरे साथ और एक मैडम भी है टीचर्स यहाँ का, और एक सार भी है। हम तीनों जाएंगे इसी गाड़ी से। ए दोस्तों, अभी मैं निकल रहा हूँ, फाइनली नागालैंड को बाय बाय करके जा रहा हूँ। पता नहीं और कब आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, वो तो भगवान ही जाने। ये हो गया बॉयज़ हॉस्टल, अभी इसी के सामने से गुजर के जाएंगे। आप लोग भी बने रहना, सपोर्ट करते रहना, और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। चलिए मिलेंगे सीधा ट्रेन स्टेशन जाके पहुंचने के बाद। अभी थोड़ा सा चाय के फैक्ट्री पे आके रुका हो, तो यहाँ का पिक्चर वगैरह आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं। ये देखिए गाइस, इतना बड़ा बड़ा मशीन जिंदगी में पहले बार देख रहा हूँ मैं चाय की फैक्ट्री में घुस के। शायद ये फैन होगा। फाइनली दोस्तों आके पहुंच गया आमगुरी जंक्शन पे। ये देखो, ये हो गया आमगुरी का ट्रेन स्टेशन, कुछ इस प्रकार है। अभी यहाँ पे टिकट काटेंगे। ये हो गया आमगुरी जंक्शन का नजारा। देखिए यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा माल ट्रेन खड़ा है। अभी ट्रेन का इंतजार कर रहा है, 4:20 को है ट्रेन। ट्रेन पे चढ़ने के बाद मिलते हैं दोस्तों। फिर से आमगुरी जंक्शन से लामडिंग तक का सफ़र शुरू हो चुका है दोस्तों। और सॉरी, आप लोगों को मैं टिकट दिखा नहीं पाया। टिकट का दाम था 60 रुपीस लामडिंग तक। फाइनली लामडिंग तक तो आके पहुंच चुका हूँ, लेकिन त्रिपुरा में जाने के लिए, अपने घर पे जाके पहुंचने के लिए बहुत टाइम बाकी है अभी भी। और आज थर्सडे हो चुका है, और आज डायरेक्ट ट्रेन लामडिंग से नहीं मिलेगा, इसलिए लामडिंग टू सिलचर तक जाना होगा। और सिलचर से कल शाम को ट्रेन है, उसी ट्रेन को चढ़ के अपने त्रिपुरा के और जाना पड़ेगा। तो अभी मैं वेटिंग रूम पे आया हूँ, थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, क्योंकि ट्रेन का टाइमिंग 3:30 को है। यहाँ से रवाना होगा, तब तक वेटिंग रूम पे रहेगा, तो आप लोग भी बने रहना दोस्तों। आप लोग को थोड़ा सा वेटिंग रूम दिखाता हूँ अभी। ये देखिए किस प्रकार का वेटिंग रूम है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये जो आप लोग सोफा देख रहे हैं बैठने के लिए, यहाँ पे छोटा छोटा इंसेक्ट है, जो खून पीने वाला इंसेक्ट। ये देख सकते हो, और इस तरफ है विंडो। स्टेशन को और भी कंस्ट्रक्शन कर रहे, बड़ा करेगा स्टेशन को। ए दोस्तों, फिर से लामडिंग तो सिलचर का यात्रा शुरू हो चुका है। तो चलिए आप लोग भी व्यू का मजा लो, मैं भी यात्रा का मजा लेके जा रहा हूँ। सिलचर पे जाके पहुँचने के बाद मिलेंगे।
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। थोड़ी देर में सिलचर पे जाके पहुंचने वाला हूँ और अभी बांग्लादेश के बॉर्डर के सामने गुजर रहे हैं। उस तरफ जो घर वगैरह जो देख रहे हैं वो पूरा बांग्लादेश का एरिया है। फाइनली सिलचर पे आके पहुंच गया दोस्तों। अभी सिलचर पे रुकेंगे, सिलचर से फिर से त्रिपुरा जाने के लिए ट्रेन करना होगा। दोस्तों मैं अभी सिलचर पे हूँ। सिलचर से अगरतला की ओर जाने के लिए शाम का 4:35 को है, तो अभी ट्रेन का इंतजार कर रहा है। टिकट तो ऑलरेडी कट चुका है। टिकट का दाम है सिलचर से अम्बासा तक मैंने काटा है 95 लगता है और अगरतला तक 110 है। तो आप लोग बने रहना दोस्तों, ट्रेन पे चढ़ने के बाद आप लोग के साथ मिलेंगे। फिर से सिलचर से त्रिपुरा की ओर यात्रा शुरू हो चुका है, अभी जा रहा हूँ। अरुणाचल जंक्शन पे आके पहुंच गया हूँ दोस्तों अभी, और 4 बाकी है, उसके बाद जाके मेरा उतरने का स्टेशन पे जाके पहुंच चुका अम्बासा पे। धर्मनगर स्टेशन पे मैं उतर चुका हूँ। अम्बासा में उतरना था लेकिन अंकल का एक बेटा यहाँ पे पढ़ाई करता है धर्मनगर पे, रेन पे रह के, तो उसके साथ ही आज रहेंगे। कल सुबह का ट्रेन से जाएंगे अपने घर मनु पे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को कैसा लगा है जरूर कमेंट सेक्शन पे बताना मेरा आज का जर्नी, आज का ब्लॉग्स। कल फिर से मिलेंगे सुबह, तब तक आप लोग भी बने रहना, सपोर्ट करते रहना दोस्तों। सभी को गुड नाइट।